अनपढ़ होकर वो अनुभव की शिक्षा देता है जो बिना बताए लाखों दर्द सहता है। अपने बच्चों के खातिर जो अपने ख्वाब भूल जाता है, हाँ वो एक पिता होता है। माँ के पांव तले जन्नत है तो पिता जन्नत के दरवाजे की चाबी है। जी हाँ, वैसे तो पिता के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि पिता के प्यार को दुनिया की किसी चीज से भी नहीं तोला जा सकता है। और ये शब्द वो लोग अच्छी तरह से फील कर सकते हैं जो इस वक्त अपने पिता से दूर है। आज हर कोई अपने पिता के लिए प्यारे प्यारे संदेश और गिफ्ट भेज रहा है। पवन अरुणता भी आज अपने पिता को बहुत मिस करें, क्योंकि पवन अरुणता आज अपने पिता से दूर दूसरे शहर में। लेकिन पवन अरुणता ने अपने पिता के साथ जो फोटो शेयर की है वो वाकई दिल को छू रही है। पिता की लाडली अरुणिता जब अपने घर होती है तो वो अपने पिता के लिए नाश्ते से लेकर लंच डिनर सब तैयार करती है और अपने हाथों से अपने पिता को खाना खिलाती हैं, जिसकी फोटोज आप देख सकते हैं। अरुणिता के पिता कुछ काम कर रहे हैं और अरुणिता उनके लिए चाय लेकर खड़ी है। उनसे बार बार चाय पूछती है, क्योंकि अरुणिता को अपने पिता के साथ बैठकर चाय पीने में बहुत मजा आता है। चाय के साथ इनकी गॉसिप भी होती है। वहीं पवनदीप तो अपने पिता के लिए आज भी 5 साल के बच्चे ही हैं। जी हाँ, वो भी अपने पिता का हाथ काम में बटाते हैं, उनके साथ बाकी कामों में हाथ बटाते हैं। पवनदीप ने इंडियन आइडल के मंच पर फादर्स डे पर परफॉर्मेंस दी थी तो हर कोई रो आया था। इंडियन आइडल के मंच पर फादर्स डे पर पवन अरुणता के पेरेंट्स भी आए थे और पवन उन्हें गले लगकर खूब रोए थे। अचानक पवन पिता को देखते ही क्यों रो पड़े थे, हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। पिछले साल पवनदीप ने तुमसे नाराज नहीं जिंदगी गाने पर एक बेहद भावुक परफॉर्मेंस देकर सबको खुश कर दिया था, अपने पिता को सरप्राइज दिया था। दरअसल पवनदीप लंबे समय से अपने पिता से मिल नहीं पा रहे थे। इस स्पेशल एपिसोड के दौरान उन्हें अपने पिता को देखने की उम्मीद जगी। हालांकि जजेस ने उनकी परफॉर्मेंस की खूब तारीफ की और जजेस ने उन्हें बताया भी नहीं था कि उनके पिता आए। जब अचानक से पवनदीप ने अपने पिता को देखा तो वो चौंक पड़े, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये बात दिल को छू लेने वाली है। पवनदीप इतने भावुक हो गए थे कि वो अपने पिता को गले लगकर खूब रोए थे। वो इस यादगार सरप्राइज के लिए सबको धन्यवाद कहते भी नजर आए थे। इस मिलन के बारे में बताते हुए पवनदीप राजन कहते हैं कि मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मेरे पिता मेरी ताकत है, मेरा मजबूत सहारा है, आज यहाँ मेरे साथ हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। उन्होंने ही मेरे करियर का रास्ता साफ किया है। मैंने उन्हें दिन रात मेहनत करके मेरे लिए तरक्की करते देखा है, ताकि मेरे सपने अधूरे ना रह सकें। हाल ही में पवन अरु उत्तराखंड गए थे, लेकिन मजाल जो इनकी एक साथ एक झलक भी देखने को मिली हो। जबकि काफी दिन तक पवन अरु एक साथ उत्तराखंड में रहे, एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताया। सुनने में तो ये भी आया था कि इन्होंने उत्तराखंड में एक गाना भी रिकॉर्ड करवाया था और पवन अरुणता को अपने घर भी लेकर गए थे। लेकिन पवन अरु उत्तराखंड में कैमरे से बचते रहे, वो फैंस से भी दूर रहे कि कहीं इनकी ये फोटो शेयर ना कर दें। ऐसा पवन अरु ने क्यों किया ये तो वही जाने, लेकिन अब पवन अरु ने उत्तराखंड की फोटो शेयर की है। जी हाँ, पवन अरु दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे नजर आ रहे हैं। दोनों उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में आनंद लेते नजर आए। पवन अरु बहुत खुश दिख रहे हैं। अरुणिता खुले बालों के साथ ब्लैक बिंदी लगाए पवन के सिर से सिर जोड़कर पोज देती नजर आ रही हैं। वहीं पवन के चेहरे की स्माइल भी बता रही है कि वो अरुणिता के साथ कितना खुश है। पवन के संग अरुणिता ने यहाँ खूब शॉपिंग भी की, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अरुणिता यहाँ की फेमस चीजें लेकर गई हैं। पवन अरुणिता काम के अलावा घूमने भी निकले। इससे पहले जब पवन अरुणिता एक साथ उत्तराखंड गए थे तो इन्होंने यहाँ अरुणिता को अपनी पसंदीदा बाइक पर बैठा कर राइड भी करवाई थी। पवन जब भी घर जाते हैं तो राइड और ड्राइव जरूर करते हैं, और जब अरुणिता उनके साथ होती है तो ये मजा दोगुना हो जाता है। सिंगर पवनदीप राजन के एक बाद एक कई गाने रिलीज हो रहे हैं। वो एक से एक नए गाने लेकर आ रहे हैं और हर रोज वो अपने नए हुनर के साथ फैंस को खुश करने में लगे हैं। इस बार फिर पवनदीप राजन याद गाना लेकर आए हैं, लेकिन इस बार उन्हें अपने इस गाने को लेकर बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, बड़ा झटका लगा है। पवनदीप का याद गाना रिलीज होकर कैंसिल कर दिया गया। हम आपको बता दें कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पवनदीप का गाना यूट्यूब पर शेयर किया गया, उसके बाद उसे हटा दिया गया। आखिर पवनदीप ने ऐसा क्या किया कि उनके साथ ऐसी हरकत की गई है? फिर पवनदीप तो सबके चहेते हैं, फिर अचानक से उनके गाने को क्यों हटा दिया गया? अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि पवनदीप की किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई है।
बल्कि खास वजह से पवनदीप का गाना YouTube चैनल से हटा दिया गया है। जी हाँ, पवनदीप का आज याद गाना रिलीज हो चुका है, जिसे म्यूजिक पायर YouTube चैनल ने पब्लिश किया है, लेकिन अचानक से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से गाना कुछ ही देर बाद चैनल से हटा दिया गया। पवनदीप ने इसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया है। पवनदीप ने फैंस को बता दिया कि घबराने की बात नहीं है, बस कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से गाने को तुरंत हटाना पड़ा, लेकिन जल्दी वापस से रिलीज कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप बताएं कि आपको ये गाना कैसा लगा। पवनदीप का याद गाना उत्तराखंडी भाषा में तैयार किया गया था, लेकिन फैंस की डिमांड के बाद पवनदीप ने इसका हिंदी वर्जन भी रिकॉर्ड किया है, जिसके रिलीज होने का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और आज रिलीज हुआ तो यूट्यूब चैनल से हटा भी दिया गया है। पवनदीप अरुणिता सुपरस्टार सिंगर 2 का आने वाला एपिसोड शूट कर चुके हैं। जी हाँ, सैटरडे संडे में क्या होने वाला है वो प्रोमो से पता चल चुका है। इस बार के एपिसोड में वरुण धवन, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर नजर आने वाले हैं। इन तीनों सुपरस्टार ने सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर खूब धमाल मचाया, पूरे दिन खूब मस्ती की। पवन अरुणिता की तारीफ करते हुए दिखे ये तीनों स्टार और फिर इनकी टांग खिंचाई भी की। पवन अरुणिता ने इस पूरे एपिसोड को शूट कर लिया है और फिर ये अपने नए प्रोजेक्ट के लिए निकल गए। जी हाँ, कल रात पवन अरु को एक नए स्टूडियो में देखा गया। पवन अरु इस स्टूडियो में अपना नया गाना रिकॉर्ड करवाने आए हैं और फिर यहाँ इन्होंने रात भर पार्टी भी की। पार्टी करने के बाद अरुणिता की हालत देखकर फैंस भी शॉक्ड रह गए। हम आपको अरुणिता के नशे वाली पूरी कहानी डिटेल में बताते हैं, फिर आप ही अरुणिता के बारे में क्या सोच रहे हैं हमें लिख कर बताइए। दरअसल कंटेंट टीम के ऑफिस की तरफ से पवन अरुणिता को रात में स्टूडियो में बुलाया गया। बेशक इन्हें गाने का ऑफर दिया गया था, पवन अरुणिता ने रात में मिलने का टाइम दिया था क्योंकि पूरे दिन ये काम में बहुत बिजी रहते हैं। और फिर जब ये वहाँ पहुँचे तो ये सब शॉक्ड रह गए। पवन अरुणिता ने ऑफिस में जाकर देखा कि वहाँ तो बर्थडे पार्टी हो रही है। दरअसल कंटेंट टीम के ऑफिस के एक शख्स का बर्थडे था, जो कि सुपरस्टार सिंगर 2 के मेकर्स भी हैं। ऐसे में पवन अरुणिता के लिए ये कोई अनजान शख्स नहीं है, इसलिए इन्होंने इनके साथ रात भर पार्टी की। पार्टी में अरुणिता पवन ने कई सारे गाने भी गाए, महफिल रंगीन कर दी। अरुणिता का तो नशा चढ़ता ही जा रहा था, बार बार रोमांटिक गाने गाने का नशा चढ़ गया, जिसके बाद अरुणिता पवन का हाथ पकड़ कर गाना गाती दिखी। वो इस पार्टी को इस कदर एंजॉय करती दिखी कि वो भूल गई थी कि उनका हाथ पवन के कंधे पर है, कि कभी उनका सर पवन की गोद में। अरुणिता इस पार्टी को एंजॉय करते वक्त बहुत खुश दिखी। अरुणिता को पहली बार पवन के साथ ऐसी पार्टी एंजॉय करते देखा गया। तो आप अरुणिता के बारे में क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।